दुनिया भर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तक करीब 6,000 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं। वहीं संक्रमित लोगों की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा पहुंच चुकी है। अगर बात देश की करें तो भारत में भी कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ताजा मामला तो बेहद चौंकाने वाला है। आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। लोगों पर कहर बनकर टूटा कोरोना वायरस अब तक कई लोगों को अपनी जद में ले चुका है। देश में कोरोना के चलते हर जगह सन्नाटा देखने को मिल रहा है। स्कूल, मॉल्स, थिएटर्स के साथ साथ अब कई दफ्तरों में भी कर्मचारियों को वर्क एट होम यानी घर से काम करने का आदेश दिया गया है। देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब पूर्वी राज्य ओडिशा में कोरोना वायरस का एक पॉजिटिव केस सामने आया। इटली से वापस आए एक युवक में कोरोना वायरस के पॉजिटिव लक्षण पाए गए, जिसके बाद उसे भुवनेश्वर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। ओडिशा में कोरोना वायरस से आया ये पहला मामला है। आपको बता दें, युवक इटली से वापस आया था और उसे नई दिल्ली में कुछ दिनों की निगरानी में रखा गया था। उस वक्त उसमें कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं मिले, इसीलिए उसे भुवनेश्वर जाने की इजाजत दे दी गई। लेकिन भुवनेश्वर पहुंचते ही युवक में कुछ लक्षण दिखने शुरू हुए, जिसके बाद चेकअप में उसकी रिपोर्ट सामने आई तो कोरोना से संक्रमित पाया गया। अब राज्य की हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम हालात पर नजर बनाए हुए है और व्यक्ति के ट्रैवल का पूरा डेटा इकट्ठा कर रही है। ताजा आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में अब तक कोरोना वायरस के 112 केस सामने आ चुके हैं और 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। सरकार की ओर से कोरोना के रोकथाम के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और ऐसे में इससे बचाव के लिए एहतियात बरतने की सख्त जरूरत है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।